एक तो हिल स्लैब का प्रयोग हम लोग जानने को कोशिश कर रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम जो अपडेट देते रहेंगे और हमारा जो अभी काउंटिंग चल रहा है अभी दिखा गया फिलहाल दिहामलाई शैमकोट और दिगेर कंस्टिट्यूंसी का काउंटिंग चल रहा है। इसमें दिखा गया कि वो जो दिगेर एंड जो शैमकोट कंस्टिट्यूंसी है वो वहाँ पर काफ़ी सारा कॉन्टेस्ट हो रहा है, एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा है। अभी दिखा जाएगा जो आगे जाके क्या हो रहा है, आपको हम लोग जरूर रिजल्ट एकदम पक्का बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अभी लेकिन हम लोग फिलहाल जो शैमकोट एंड दिगेर में एकदम नेक टू नेक फाइट चल रहा है। तो आज जो दिमाशा काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ था, तो आज जो डॉन बॉस्को हाई स्कूल में वोट काउंटिंग हो रहा है, शुरू हो गया है, दिगेर से शुरू हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी भी फुल्ली सिक्योर है, पूरी तरह शांति से सुख शांति से पूरी तरह अच्छी तरह से काउंटिंग हो रहा है। अच्छा रिजू, आप तो उमरांगसू में हैं, उमरांगसू का पब्लिक का मूड्स कैसा रहा और ट्रेंड कैसा होगा बोल के आप सोच रहे हैं? हाँ, उमरांगसू में छः कैंडिडेट हैं, एक है रुमिला जिडुंग एनपीपी से और एजीपी से हरवेश खतार, और कांग्रेस से है जयसिंह दोरोंग और ये बीजेपी से दिनेश तेरोन, और इंडिपेंडेंट दो है, एक है दोरमेन एंगी और एक है लोंखी एंगी। तो इनमें से जनता ने किसको वोट दिया है वो पता नहीं, लेकिन सब जनता ने भी आशा कर रहा है कि हम जीतेंगे, वो जीतेंगे। काउंसिल का जो 19 जनवरी को जो वोट इलेक्शन हुआ उसका आज हाफ लॉन्ग डॉन बॉस्को हाई स्कूल में रिजल्ट देने जा रहा है, तो आज पूरे पब्लिक यहाँ पे मौजूद है रिजल्ट सुनने के लिए सब। और अब यहाँ का जो रिजल्ट काउंटिंग अब शुरू हो गया है, पहला 3 टेबल पर अब 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का शुरू किया गया है। तो अब लांगटिंग का अब अभी बहुत रुको हम पूछेगा दूंगा उसका बाद। अच्छा ये डेनी, आप तो लांगटिंग में हैं, आप बोलिए तो लांगटिंग का मूड कैसा रहा, पब्लिक का मूड कैसा रहा? लांगटिंग का अभी जो तीन उम्मीदवार का लोग मतलब हर कोई अपना जीत को करेगा, जैसे हमें आसाम में सब बैठा हुआ है उसी के इंतजार में सब अब तक है। अच्छा आप तो हाथीखाली में भी था, हाथीखाली का पोजीशन कैसा रहा? हाथीखाली का पोजीशन भी मतलब हर कोई उम्मीदवार का जो है लोग वो सोच रहा है कि हम जीतेंगे, अभी हर कोई इसी इंतजार में है कि कब हमारे रिजल्ट आएंगे, कोई जीत का रिजल्ट कब मिलेंगे, यही सब का इंतजार है।